So hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. This is संदीप भैया और guys आज हम बात करने वाले हैं ऐसे वीडियो पर जिसकी आपको बहुत दिनों से इंतजार था. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जेमेन में बहुत अच्छी परसेंटाइल नहीं आ रही है और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके फटाफट एडमिशन ले लें. तो उनके लिए कौन कौन से कॉलेजेस की लिस्ट है जहां पर उन्हें अप्लाई करना चाहिए. मतलब मैं यहां पर बहुत सारे ऐसे कॉलेज को बताऊंगा जिनकी फीस बहुत कम है. कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जिनकी फीस जो है 5,000 और 7,000 है एक साल की, और हॉस्टल भी उनका ज्यादा महंगा नहीं है, और प्लेसमेंट है 10 लाख 12 लाख, ऐसे इनका एवरेज प्लेसमेंट है. और कुछ कॉलेज की लिस्ट ऐसी भी है इसमें जो कॉलेजेस बहुत सस्ते भी हैं और बहुत कम परसेंटाइल पे मिल भी जाएंगी. बट सीक्रेट है, ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है. बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि अगर बीटेक करना है तो ज्यादा पैसा लगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं खुद बहुत ही कम पैसे में बीटेक किया हूँ एक साल में. मैं पूरे बीटेक के 4 साल में मेरे 1 लाख भी खर्च नहीं हुए होंगे जहां तक मैंने अपना बैठ के जोड़ा था. तो तुम भी कर सकते हो ऑफ कोर्स, और हमने ऐसे बहुत सारे लोगों का एडमिशन कराया भी है जो बहुत कम पैसे में भी बीटेक कर रहे हैं एंड दे आर सेटिस्फाइड. तो चलो बात करते हैं इसमें बहुत सारे कॉलेज की. मैं तुम्हें यहाँ पे लिस्ट दूंगा, कुछ कॉलेज छूट भी गए हैं, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा. अच्छा एक बात मैं बता देता हूं, देखो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बता देता हूं. देखो बीटेक फ्री में अगर तुम्हें बीटेक करना है तो दो तरीका है, या तो तुम जेईई मेन में अच्छा कर लो और उसके बाद से क्या करो एनआईटीज वगैरह में एडमिशन लो, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो ट्यूशन फीस माफ करा लो, आईआईटीज वगैरह में एडमिशन लो जेईई एडवांस के थ्रू, ट्यूशन फीस माफ करा लो. दूसरा तरीका क्या है कि तुम अपने स्टेट के काउंसलिंग में बैठो और अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है तो तुम्हें एफडब्ल्यू मिल जाएगी, और साथ में तुम्हारे पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए जैसे एकेटी वालों का है. तो ये दो तरीके तो जनरल है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते हैं, पर मैं इन कॉलेज के बारे में बात करूंगा जिनके लिए इनकम का भी लफड़ा नहीं है, फीस ही कम है, कम कराने का भी लफड़ा नहीं है भाई, फीस ही कम है. और लास्ट में मैं 4 से 5 ऐसे तुम्हें कोर्स और ऐसे कॉलेज बता के जाऊंगा जहां पे फीस नाम मात्र का है और प्लेसमेंट इंजीनियरिंग से भी बढ़िया है, कंप्यूटर साइंस से भी बढ़िया है, बहुत हद तक मैंने देखा है. ठीक है तो चलो फिर शुरू करें. अच्छा एक बात और यार, देखो इन सारे कॉलेज इसमें से हर एक कॉलेज की काउंसलिंग हम लोग कराते हैं, तो अगर तुम्हें कभी लगे कि भैया मुझे ऐसा मैं क्या करूं कि मैं अपडेटेड रहूं, मुझे पता चले कि कौन से कॉलेज का फॉर्म आया, कौन से कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म गिरा, कौन से कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, कैसे जाना है, कैसे फॉर्म भरना है, फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, अगर कॉलेज लेवल काउंसलिंग है तो कैसे होगा, इन सब के बारे में अगर तुम डिटेल वीडियो चाहते हो या फिर अपडेटेड खुद को रखना चाहते हो तो इस STBZ इस सेट टाइम बाउंड गोल चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना. और एक बात और जो बहुत आपको ध्यान रखनी है कि STBZ एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपके रिक्वायरमेंट पे वीडियो बनाता है. हम स्टेट के पीछे इस बात के पीछे नहीं भागते कि बड़े बड़े कॉलेज का रिव्यू करो तो लोगों को लगेगा कि बड़े काउंसलर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम उस बात के पीछे भागते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे साथियों को, हमारे छोटे भाइयों को क्या चाहिए. अगर उनकी परसेंटाइल कम है तो उनके अकॉर्डिंग अगर तुम में से किसी को लगे कि भैया इस कॉलेज पे भी आप एक हॉनेस्ट रिव्यू दो तो मैं भले दूंगा, चाहे व्यूज आए या ना आए, मैं काम करता हूं सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्प के लिए, और आप में से 2-4 लोगों की भी हेल्प हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है. ठीक है तो चलो शुरू करते हैं. अब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना तो मतलब भूलना ही मत. ठीक है तो चलो शुरू करते हैं. अपने नंबर 1 पे जो कॉलेज है दैट इज जादवपुर यूनिवर्सिटी. तुम बोलोगे क्या सर, मतलब आपने बोला था लो परसेंटाइल पे मिल गया मिलेगा और क्या क्या दिखा रहे हो. नहीं नहीं शुरुआत यहां से करते हैं, पर मैं दिखाऊंगा कि बहुत लो तक मिलता है. जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है मतलब IIT के टक्कर का कॉलेज है. ठीक है IIT के टक्कर का कॉलेज है, हल्के में इसको मत लेना. इसकी फीस जो है 5,710 रुपए है, सबको पता है कोलकाता में है. ठीक है और इसकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फीस है वो ज्यादा है, 30,000 के आसपास है. तो दिस इज द फीस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और जादवपुर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में, तो भाई साहब 4 करोड़ों में उसने पैकेज दिए हैं हाईएस्ट. ठीक है लेकिन अगर मैं NIRF के डाटा की बात करूं और अगर हम ये देखें कि एवरेज प्लेसमेंट क्या है,
एवरेज प्लेसमेंट गया तो तुम देखोगे यार मतलब 10.25 लाख एवरेज प्लेसमेंट है ये सीएससी नहीं सारे मिला के। और इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जहां पे बाकी जगहों पर तो एडमिशन भी मतलब बाकी जगहों पर तो प्लेसमेंट भी नहीं होता है। उन सबको अगर दे के देखा जाए तो 10.25 लाख का प्लेसमेंट है जो कि कम नहीं है, अपने आप में बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि प्लेसमेंट रेशियो क्या है तो तुम देख सकते हो एनआईआरएफ का डेटा है, कुछ भी इसमें मेरे तरफ से नहीं है या किसी अदर वेबसाइट की तरफ से नहीं है, फर्जी नहीं है, एनआईआरएफ को हमेशा सही डेटा ही सेंड करना पड़ता है। तो 1,000 में से इतने लोग प्लेस्ड हो रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट रेशियो भी अच्छा खासा है। यू कैन सी द प्लेसमेंट रेशियो, चाहे जिस भी ब्रांच में जा रहे हो प्लेसमेंट होने की गुंजाइश ठीक ठाक है, और अगर कंप्यूटर वगैरह मिले तो माशाल्लाह वाह वाह क्या बात है जादवपुर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि 90% सीट जो होता है ना, अच्छा पहली बार जादवपुर में एडमिशन लेना है तो क्या करना होता है, डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम देना पड़ता है और उसके बाद से डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग करानी पड़ती है। अब उसमें प्रॉब्लम है कि 90% सीट्स जो होते हैं वो डोमिसाइल वालों के लिए है, मतलब डब्ल्यूबीजेई वालों के, वेस्ट बंगाल वाले के लोगों के लिए है, और बाकी 10% में ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, ये बात ध्यान रखना। और यहां पे अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो मिनिमम 45% होना चाहिए, किसमें, पीसीएम में, पीसीएम में तुम्हारे मिनिमम 45% होना चाहिए जनरल ओबीसी को और 40% होना चाहिए एससी एसटी का। तो ये बात ठीक है, मतलब बढ़िया है। अच्छा, डब्ल्यूबीजेई में बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, कॉलेज तो खैर डब्ल्यूबीजेई के अदर स्टेट वालों को एडमिशन देते ही नहीं है, जैसे कल्याणी इंजीनियरिंग कॉलेज है, अदर स्टेट वालों को नहीं देगा। हाँ, जो यूनिवर्सिटी है जादवपुर, कोलकाता, कल्याणी, ये सारे कल्याणी यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी वाले जो हैं अदर स्टेट को भी एडमिशन देते हैं, और बाकी तो डब्ल्यूबीजेई में तो ऑलमोस्ट बहुत प्राइवेट कॉलेज है, हालांकि प्राइवेट कॉलेज सस्ते हैं। ठीक है, तो ये था ब्रीफ, मैं ब्रीफ में बताते चाहूंगा, और बाद में अगर तुम्हें लगे कि हाँ भैया इस पे आप डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, जिस भी यूनिवर्सिटी को बोलोगे कि डेडिकेटेड वीडियो चाहिए अपने को, तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, घबराना नहीं। जब तक हम आपके साथ हैं तो आपका एडमिशन होके रहेगा, चाहे आपकी परसेंटाइल 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, हम आपके लिए लेके आएंगे हर एक परसेंटाइल पे कॉलेज, और उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि देखो भैया डिटेल वीडियो है, डिटेल आपके रैंक पे जो कॉलेज मिल रहा है उसका डिटेल ये है, अगर अच्छा लगे तो लो, नहीं अच्छा लगे तो क्या करो, ड्रॉप लो, है ना। तो चलो सेकंड पे आते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता पे आते हैं। इसकी जो फीस है 5,472 रुपया एक साल का, हा 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 इतने कम फीस में बीटेक, हाँ भैया होता है, और अगर आप डब्ल्यूबीजेई के थ्रू जा रहे हो तो दैट इज द फीस, मतलब देख ही लो 5,000 फीस है, क्या ही है, मतलब कुछ नहीं है, है ना, 5,000 तो वैसे ही रेंट में उड़ा देते हैं एक महीने के। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोड ऑफ एडमिशन क्या है, अगर कोलकाता यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना हो तो इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है भी डब्ल्यूबीजेई के थ्रू ही लेता है, डब्ल्यूबीजेई के थ्रू ही लेता है, और उस डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम देने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, और इसका भी एवरेज पैकेज लगभग 9 लाख के आसपास है, 9 लाख के आसपास है, हा 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 9 लाख के आसपास। अच्छा, अच्छी बात है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है इसकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है दैट इज 8, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे नहीं। ठीक है, इसके 3 कैंपस है, कभी मौका मिला तो इसके बारे में भी अपन लोग डिटेल में बताएंगे। ये पिछले 3 सालों का मीडियन पैकेज था जो एनआईआरएफ के रिपोर्ट में इन लोगों ने भेजा था। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं, दैट इज जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जिन लोगों का दिल्ली दिल्ली में पढ़ने का सपना है और पैसे की बहुत कमी है, पैसे की बहुत आर्थिक तंगी है, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बिल्कुल अप्लाई करिए। लेकिन दिक्कत वहां एक है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम वाला इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाता है कि उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलता है, अच्छा खासा रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, बाकी अदर ऐसा वैसे ज्यादा का फर्क नहीं आता है। ठीक है, मतलब ठीक है, अदर हिंदू लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। फीस जो है लगभग 16,150 रुपया है, बहुत कम फीस है, दिल्ली में पढ़ रहे हो इतने कम फीस में पढ़ रहे हो, हैं दिल्ली में और भी कॉलेजेस हैं, जैक दिल्ली में बहुत हैं, डीटीयू है, एनएसयूटी है, IIIT दिल्ली है, और IGDTU है, डेसू मतलब वो जामिया से भी, मतलब जामिया से भी कंपेयर करने में कुछ नहीं है खास, लेकिन फिर भी उसकी फीस देखना एक बार जाके 2-2.5 लाख है। मतलब दिल्ली में मुझे लगता है सबसे सस्ता कॉलेज जो है दैट इज जामिया मिल्लिया इस्लामिया। इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, आपको जेई मेन का पहले एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद जामिया अपनी खुद की काउंसलिंग कराती है, उसमें बैठना पड़ेगा। लेकिन जेई मेन का एग्जाम देने के साथ साथ पहले से जामिया का फॉर्म भी भर के रखना, वरना धोखा हो जाएगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ठीक है, अगर इसके प्लेसमेंट की बात करें तो लगभग 350 स्टूडेंट में से 237 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे, मीडियम सैलरी 8,40,000 है, ये अच्छी खासी सैलरी मानी जाती है भाई। अगर तुम्हें कंप्यूटर मिल रहा है तो मैं तो जामिया को बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, कि अगर इसके जैसा कोई तुम्हारे पास इस टाइम पे ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली गो फॉर जामिया। ठीक है, और अगर तुम मुस्लिम हो तो फिर तो बल्ले बल्ले है, एकदम पूरा तुम्हारा ही कल्चर मिलेगा इधर, और बाकी दिल्ली में तो एक्सपोजर है यार।
अब दिल्ली से ज्यादा एक्सपोजर किधर को मिलेगा, इधर आसपास में। ओके तो NIRF भी अच्छी खासी है, 26 है। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। कई लोग बोलेंगे अच्छा ये JNU, हाँ भाई वही JNU वही वाला। हाँ अगर मैं बात करूं इसकी NIRF रैंकिंग की, तो यूनिवर्सिटी लेवल पर ये NIRF रैंकिंग 2 लेके आता है, लेकिन इंजीनियरिंग में अभी इसको मिला नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ज्यादा दिन हुआ नहीं, ठीक है। और वही ये एक GFTI है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यह एक GFTI है, और इसमें एडमिशन का मोड है JEE मेन, ठीक है। और जो सा के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज प्लेसमेंट 8 लाख है, लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम एक है, क्या है कहो यार, हर कॉलेज की आप प्रॉब्लम बताते हो। हाँ भाई मुझे जो चीज सही नहीं लगता है मैं डेफिनेटली तुम्हारे सामने खोल के रखूंगा। इसमें यार 5 ईयर का कोर्स है, 5 ईयर का कोर्स है, मतलब इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक। लेकिन एक अच्छी बात भी है, क्या है कि 4 साल पे भी तुम ड्रॉप कर सकते हो, मतलब बीटेक की डिग्री लेके निकलना है तो निकल लो, कोई मसला नहीं है। अगर मैं फीस की बात करूं तो अगर 1 लाख से कम की फीस, अगर तुम्हारे पास 1 लाख से कम का इनकम है तो 0 रुपया ट्यूशन फीस, और अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 20,833 रुपया, और अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 62,500। ये सारी की सारी PDF जो है मैं तुम्हें डाल दूंगा, कहां पर मैं सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना यार, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन वहां पे मिलती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा जो कि बड़ी जरूरी है, कि STVG Academy नाम का एक हमारा ऐप है, बहुत ही प्यारा सा ऐप है, डेफिनेटली ज्वाइन दिस ऐप। और तुम पूछोगे क्यों ज्वाइन करें, हाँ भैया देखो बहुत सारे लोग हमसे हर साल पर्सनल काउंसलिंग कराते हैं, बहुत सारे मतलब। तो ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, AKTU जोसा और जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, तुम्हें जिस भी स्टेट में बैठना हो उसमें तुम क्या करो, बिल्कुल हमारे साथ आओ और काउंसलिंग कराओ। इसमें क्या रहता है कि हम तुम्हारी खुद की हम पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, तुम्हें हमारा प्लान ज्वाइन कर लेना है, सिंपल सा प्लान ज्वाइन करना है। हमारे लोग तुम्हें कॉल करेंगे, फिर एक मीटिंग मेरे साथ अरेंज कराई जाएगी, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सुनेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को हम डेफिनेटली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हर बार ऐसा होता है कि हम लोग मतलब ठीक है हजारों संख्या में बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, और बच्चे बहुत ही अच्छे खासे कॉलेज में पहुंचते हैं, इवन लो परसेंटाइल और लो रैंक पे भी, मतलब मान के चलिए अभी काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ और हमारी बुकिंग अभी से चल रही है, तो आप भी फटाफट अपनी सीट एक बुक करके रखिएगा, ठीक है। और हम हमेशा स्टूडेंट्स के साथ हॉनेस्ट रहते हैं, हम ना तो किसी कॉलेज के साथ ना तो हम किसी कॉलेज से पैसे लेके कभी उनका प्रमोशन करते हैं, और ना ही इस टाइप का कुछ करते हैं जिसमें बच्चों को हम ले जाके कहीं और फंसा रहे हो। हम हमेशा बच्चों के साथ हॉनेस्ट हैं और हॉनेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को डाउट हो कि काउंसलिंग मेरे रैंक पे क्या मिलेगा, भैया आप ही मेरी काउंसलिंग कर दो पर्सनल, तो डेफिनेटली हम कर देंगे। हाँ लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप काउंसलिंग कराओ ही, ये चैनल भी सफिशियंट है। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आप रिसर्च करना चाहते हो तो खुद से भी करके कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट ठीक है, फिर भी बहुत लोग हमसे कराते हैं और बहुत ही अच्छा गारंटेड रिजल्ट उनको मिलता है हर साल, ठीक है। बट ये बात ध्यान रहे, हम कभी भी कोई सीट के साथ किसी कॉलेज के साथ टाई अप करके नहीं रखे हैं, और ना ही हमने किसी की सीट खरीद रखी है। हम आपके रैंक को ही बस यूटिलाइज करते हैं, जो बात है वो क्लियर है। दूसरे लोग कहते हैं कि अरे हम आपका IIT लखनऊ में करा देंगे, हम आपका यहाँ करा देंगे, हमारा टाई अप है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज है, उनके चाचा का कॉलेज नहीं है कि वो अपना वो करके रखे हैं, लेकिन फिर भी चलो खैर छोड़ो, लेकिन आपके रैंक को बेस्ट मैनर में हम यूटिलाइज करना जानते हैं और हम करते भी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल के कॉलेज की। ये आई थिंक जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ एडमिशन लेने के लिए बोर्ड में 70% मार्क्स होने चाहिए, और SC ST वालों के लिए 65%, वही NIT वाला फंडा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये है मेरा कॉलेज। अगर मैं बात करूं इसके NIRF रैंकिंग की, तो देखो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो काफी अच्छी NIRF रैंकिंग है, बट इंजीनियरिंग पे अभी 37 चल रही है, बट 37 भी बेकार नहीं है यार, पर लोग भी ठीक ठाक कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना। अगर मैं फीस की बात करूं तो 20-21 हजार आपका लगता है, और एडमिशन मोड जो है इसका AMU EEE है, मतलब पहले होता क्या है, पहले आपको AMU में AMU का एग्जाम देना होता है, और AMU EEE का एग्जाम देने के बाद आपको काउंसलिंग करानी होती है, और फिर आपको एक कॉलेज मिलता है। अगर मैं मीडियम सैलरी की बात करूं तो 5,62,000 मीडियम सैलरी है, और अच्छी बात है कि हमारे कॉलेज में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल की भी कंपनियां आती हैं, हमारे यहाँ PSUs भी आती हैं, और इस साल लगातार दो या तीन PSUs आई हैं, और उनका पैकेज जो था 18 लाख था और 16 लाख था, मतलब सोचो PSU आके डायरेक्ट लेके जा रही है, और किनको लेके जा रही है, कोर वाले को, CS वाले को नहीं, कोर वाले को लेके जा रही है, तो बल्ले बल्ले है, मतलब अगर तुम्हारा कोर में भी हो रहा है और तुम मेहनत कर रहे हो, तो हमारे यहाँ तो आप देख रहा हूँ कि पिछले साल भी PSU
PSU आई थी, EIL आई थी, ठीक है, तो हर साल PSU आ रही है, तो तुम्हारा यहाँ पे कोर में भी जुगाड़ बन सकता है। बाकी मतलब आजकल कहाँ लगता है कोर में प्लेसमेंट अगर तुम बढ़िया परसेंटाइल वाले नहीं हो तो, है ना। तो लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लग रहा है, तो दैट इज अ गुड थिंग। हाँ, तुम्हें एवरेज सैलरी देखने को थोड़ा सा कम मिल सकता है, बट हो सकता है नेक्स्ट ईयर, मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर जब मैं बना रहूंगा तो इसकी मीडियम सैलरी ज्यादा तुम्हें देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो अगले कॉलेज में चलते हैं, दैट इज JEC जबलपुर। ये MPDT का कॉलेज है, और इसके बारे में अगर मैं बात करूं, एडमिशन प्रोसेस जो है इसका जेई मेन के स्कोर पे होता है। जेई मेन का स्कोर तुम्हें DTE MP में ले जाके क्या करना होगा, काउंसलिंग करना होगा। इसकी भी काउंसलिंग हम करते हैं, तो बिल्कुल अगर आपके मन में कोई भी डाउट है डेफिनेटली कनेक्ट विथ मी। अगर मैं फीस की बात करूं तो 89,000 है बीटेक की फीस, वाह सस्ता है। अगर मैं ये बात करूं कि इसका मीडियम सैलरी कितना है, तो 4,41,000 है, ठीक है, और 602 बच्चों में से 394 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तुम डेटा खुद देख सकते हो, और मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और बाकी तुम्हें अगर कोई कॉलेज पसंद आ रहा हो इसमें से, तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं जरूर उसका डिटेल वीडियो बना दूंगा, या फिर तुम खुद भी सर्च कर सकते हो। मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, बाकी गहराई में तुम्हें जाना है, ठीक है। तो ये JEC जबलपुर के बारे में बेसिक आइडिया था। अब नेक्स्ट कॉलेज पे आते हैं, ये जैक चंडीगढ़ का बेस्ट कॉलेज, दैट इज UIT चंडीगढ़। एडमिशन प्रोसेस क्या है, जेई मेन के मार्क्स के आधार पर यहाँ पर भी एडमिशन होता है, और जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग करानी पड़ती है। ध्यान रहे, बोर्ड में परसेंटेज आपके 60 से ज्यादा होने चाहिए, ये भी बात ध्यान रहे कि ऐसा मतलब होना चाहिए। अगर मैं फीस की बात करूं तो बहुत ही कम फीस है, बहुत ही कम, 23,115 रुपया फीस है। इसको भी तुम दो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। पहला इंस्टॉलमेंट 17,665 का है, वाह, कहां से प्राइवेट वाले भी कर लेते कि अच्छा ठीक है, इनको तो पूरा एक साथ चेक चाहिए होता है, DD चाहिए होता है, खैर छोड़ो, लेकिन ठीक है, इतना कम फीस होने के बाद ये लोग इंस्टॉलमेंट में ले दे रहे हैं, तो ठीक है, बढ़िया है। ये टोटल फीस है, तुम देख लेना, ठीक है, अपने आप ही देख सकते हो, सारा कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है। अब क्या चाहिए, अच्छा अगर मैं पैकेज की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट भी ये ऑफ कैंपस का था, इन्होंने देखा, इन्होंने डाला हुआ था, लेकिन इनके यहाँ अमेजॉन ऑन कैंपस आई थी, और ऑन कैंपस में 30 LPA का लगा था, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस में 32 LPA का था, और अमेजॉन ऑन कैंपस में 30 LPA का लगा था, ठीक है। तो ठीक है, और गूगल में भी लगा था 31 LPA का। ये हाईएस्ट पैकेजेस है इनके। अगर नंबर ऑफ ऑफर्स की बात करा जाए तो 2020 में 315 थे, और 2021 में 303 थे, और एवरेज CTC इन्होंने डाला, एवरेज है, मीडियन नहीं है, ध्यान रखना, मीडियन नहीं है, एवरेज है, और इनके वेबसाइट से NIRF की डाटा से नहीं उठाया हमने, तो तुम देख सकते हो ये लगभग 6-7 लाख के आसपास है, ठीक है। तो ये रहा बेसिक आइडिया UIT चंडीगढ़ के बारे में। तो ठीक है, इसमें भी अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम बिल्कुल जा सकते हो, और 1 लाख रैंक तक भी एडमिशन होता है UIT चंडीगढ़ में। अब ये जो कॉलेज है, दैट इज USICT दिल्ली, IPU का बेस्ट कॉलेज है, और IPU का इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसकी फीस मात्र और मात्र 80,000 है एक साल की। NIRF रैंकिंग टॉप 100 के अंदर है, दैट इज 74, और एडमिशन प्रोसेस कुछ नहीं है, ये है कि आपको JEE मेन देना होगा और IPU की काउंसलिंग करानी होगी, बस। अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो 45 LPA है, और एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 12 LPA है। ऑफ कोर्स जितने मैंने कॉलेजेस दिए हैं सारे के सारे गवर्नमेंट है, मैंने इसमें प्राइवेट कॉलेज को ऐड भी नहीं किया है। तो निश्चिंत होकर तुम वीडियो देखना और लास्ट तक देख के जाना यार, क्योंकि आगे तुम्हें ऐसे ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे जो बहुत बहुत लो परसेंटाइल पे मिल रहे होंगे, और तुम्हें पता नहीं होगा, बाद में तुम्हें लगेगा काश मैंने संदीप भैया की वीडियो देख ली होती तो मुझे भी ये बात पता होता, क्योंकि एकलौता चैनल है जहां पे 20 परसेंटाइल वाला भी आके कॉन्फिडेंस में हो जाता है कि यस मुझे एडमिशन मिलेगा, और पक्का मिलता भी है, पिछले साल भी मिला था और इस साल भी मिलेगा। सो डोंट वरी गाइस, आपकी परसेंटाइल जो भी हो, कॉलेज तो हम दिखाई देंगे, सजेस्ट कर ही देंगे, वो भी गवर्नमेंट विथ कंप्यूटर साइंस। बट प्रॉब्लम यह है कि जितना बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कॉलेज, सीधी बात है, हमारा फंडा सीधा है, हम बच्चों के साथ बिल्कुल हॉनेस्ट रहते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। अगर आपकी परसेंटाइल बढ़िया है तो बिल्कुल डेफिनेटली उसी हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, और अगर आपके परसेंटाइल में कुछ लोचा है तो डेफिनेटली हो सकता है कॉलेज में भी थोड़ा बहुत लोचा हो, ठीक है, मजाक कर रहा था यार, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आते हैं, दैट इज कल्याणी यूनिवर्सिटी। तो उसकी जो फीस है 15,310 पर ईयर एक साल का, कितना कम फीस है, कहां से आते हैं ऐसे कॉलेज। एडमिशन की बात करूं तो आपको WBJEE का एग्जाम देना पड़ेगा, और उसके बाद WBJEE के थ्रू काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अब ध्यान रखना, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये WBJEE के अंडर नहीं आता, भले इसके थ्रू लेता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट यार मुझे कुछ खास देखो दिखा नहीं, यही दिखा बस 8-9 LPA, और एवरेज प्लेसमेंट 4 LPA, देखना एवरेज है, मीडियन नहीं है, ठीक है। ओके चलो,
नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, दयाल बाग आगरा इंस्टीट्यूट, मतलब ये सत्संगियों का कॉलेज है मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मैंने जब इसे पहली बार देखा था तो इसकी 60 है ना यार, फ्रैंकिंग थी 60 के आसपास थी, आज देखो 120 चला गया, मतलब सीधे दुगना, वाह। NIR फ्रैंकिंग 100 से बाहर है, लेकिन ठीक है। अब इसकी जो फीस है ना, एक साल पहले साल में 42,000 लगता है और सेकेंड ईयर से 28,000 हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना यार, इसकी ड्रॉबैक ये है कि पहली बात यहाँ सत्संगियों का थोड़ा सा रिजर्वेशन है, और दूसरा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, मतलब दो चार, मतलब एक कोर वाले ब्रांचेज हैं। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है, आगरा में कॉलेज है, ठीक ठाक वहाँ का बढ़िया कॉलेज है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, ठीक है ठीक है। अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो बेस्ड ऑन जेई मेन होता है, जेई मेन के बेसिस पे होता है, और वहां पे उसके लिए पहले जेई मेन देना होगा, फिर डीवीआई का फॉर्म भरना होगा, दयाल बाग आगरा का तुम्हें फॉर्म भरना होगा, ठीक है। ये फॉर्म भरने के बाद ये लोग पहले इंटरव्यू के लिए बुलाते थे, अभी देखना पड़ेगा, मेरे टाइम में तो ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते थे और इंटरव्यू होता था और फिर जेई मेन के मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें एडमिशन दिया जाता था। हाईएस्ट पैकेज देखो, मुझे कुछ क्लियर डाटा नहीं मिला, ठीक है, तो बाद में अगर कोई दयाल बाग वाले तुम हो ना तो यार कमेंट बॉक्स में मुझे वो मत करना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला नहीं है और NIRF का डेटा में मुझे हाईएस्ट दिखा नहीं। मीडियम पैकेज है जो दैट इज 4 LPA के आसपास है, और हाईएस्ट पैकेज जो है 9 LPA के पास है। अब मैं बता रहा हूँ ये कॉलेज किनके लिए ज्यादा बेटर है, जिनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मान लो तुमको गेट की तैयारी करनी है तो इतने कम पैसे में आगरा में रह के बढ़िया गेट की तैयारी करो, मान लो तुमको ESC की तैयारी करनी है या IAS इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज इसकी तैयारी करनी है, या इसरो की तैयारी करनी है, या बार्क की तैयारी करनी है, या UPSC की तैयारी करनी है, तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया कॉलेज, एकदम मस्त कॉलेज, हॉस्टल भी सस्ता, कॉलेज भी सस्ता, आराम से एडमिशन भी हो जाएगा, आगरा में पढ़े रहो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी दबा के करो, हर प्लेसमेंट हो या ना हो, है ना। चलो अगला बात करते हैं, दैट इज ZB पंत, पंत नगर। ये यहाँ अपने यहाँ का सबसे शानदार कॉलेज है, और अगर मैं तुम्हें बताऊं ना कि मतलब इसका कैंपस बहुत बड़ा है, एग्रीकल्चर पे अगर तुम बात करोगे ना, जो लोग ICR देते होंगे उन्हें पता है कि मतलब ये नंबर वन का कॉलेज है एक तरीके से बात किया जाए तो, ठीक है। तो ZB पंत का कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत है, ये उत्तराखंड में, और उत्तराखंड का जो बेस्ट कॉलेज है स्टेट लेवल का, है ना, स्टेट लेवल का बहुत ही अच्छा कॉलेज है, तो तुम एक बार इसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फीस जो है 37-38,000 लगता है, तो इतने कम फीस में ये तुम्हें बीटेक करा रहा है। एडमिशन जो होता है ना जेई मेन के रैंक के बेसिस पे होता है, और इसकी अपनी खुद की काउंसलिंग होती है उत्तराखंड की, मतलब उत्तराखंड की काउंसलिंग होती है, इस स्टेट की अपनी अलग से काउंसलिंग होती है, और जेई मेन के रैंक पे ही होती है, तो तुम यहाँ पे भी जा सकते हो, और हमने यहाँ पे भी बच्चे भिजवाए हैं, ऐसा नहीं है फर्जी बोल रहा हूँ, ठीक है, और इतने कम फीस में तुम यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, और आराम से 1,00,000 तक, मतलब ठीक है 1,00,000 तक EC और इलेक्ट्रॉन CSE मिलने का चांस रहता है, ठीक है। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो दैट इज 16 LPA। देखो गाइज, कमेंट बॉक्स में अगर कोई जीबी पंत का देख रहा होगा तो क्रिटिसाइज मत करना, क्योंकि हमको मतलब ऑफिशियल नहीं मिला, ठीक है, तो यही डाल दिया, मीडियम पैकेज ऑफिशियल मिला था, दैट इज 4.5 LPA, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेज इज मतलब ये बहुत अलग अलग डेटाज पे मैंने जाके देखा, स्टूडेंट्स के रिव्यू देखा, तो मैंने वहां से उठाया है, बाकी ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ मेरी पर्सनल खुन्नस है, मैं खुद इस कॉलेज को बहुत अच्छा, मुझे ये कॉलेज मतलब ठीक लगता है यार, सही है, बिल्कुल जा सकते हो, अगर तुम्हारी अच्छी उतनी परसेंटाइल नहीं है तो जीबी पंत को भी तुम कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं एक और GFTI की, दैट इज इन मतलब गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में है, इसकी फीस जो है 29 पर ईयर है, एडमिशन जो होता है दैट इज जोसा के थ्रू होता है, इसमें तुम्हें पहले जेई मेन देना होगा और एक बार जोसा के थ्रू एडमिशन होगा, एवरेज प्लेसमेंट 5 LPA का है, एक बार हाइएस्ट चेक कर लेना, ठीक है, और बस प्लेसमेंट के मामले में ठीक है, और फीस तो कम ही लगती है यहाँ, तो यू कैन जस्ट चेक इट वंस, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बाकी एवरेज प्लेसमेंट सही है, दैट इज 5 LPA, तो इसमें भी एडमिशन काफी हाई रैंक तक हो जाता है, मतलब 2,00,000 या 3,00,000 तक हो जाता है, और पहले तुम्हें जेई का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर जोसा की काउंसिलिंग में बैठना होगा, तो 2-3 लाख तक यहाँ पे आराम से एडमिशन होता है, और कई बार ऐसा होता है कि पहले तुम जोसा में बैठे उसके बाद भी इनकी सीट नहीं बढ़ी, तो CSIB में बैठो उसके बाद भी इनकी सीट नहीं बढ़ती है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, अब अपना अलग से कॉलेज लेवल की काउंसलिंग कराते हैं, ये सब बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बहुत कम ही यूट्यूबर्स होंगे या बहुत कम ही काउंसलर्स होंगे जो बताते होंगे, लेकिन हम तो इस काम में लगे हुए हैं तो हमें तो पता है, तो एक कॉलेज लेवल की अलग से काउंसलिंग करते हैं और बुलाते हैं वहां, तो तुम वहां पे जाओगे तो 2-2.5 लाख रैंक तक भी एडमिशन आराम से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज पे आते हैं, दैट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जिसका जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है दैट इज JK इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद।
इसमें भी एडमिशन जो होता है जेई मेन के रैंक पे होता है, दिस इज ऑल्सो GFTI, ठीक है, GFTI। और इसकी पहले ईयर में फीस जो लगती है 42,000 लगती है, और अगले ईयर से फीस 28,000 लगने लगती है, तो ये बहुत कम फीस है। और प्लेसमेंट इनका मतलब जहां तक मैंने देखा, दैट वाज की एवरेज जो था लगभग 7 LPA के आसपास का था, और 60 से 70% ही बच्चे प्लेस्ड हो पाते हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे गेट में अच्छा स्कोर करते हैं, दैट इज AIR 4, 7, 9, 2, 4। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, दैट इज नॉट ऑफिशियल, ठीक है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और अगर हाँ, लेकिन मैंने इनके वेबसाइट को मतलब इनके वेबसाइट में जाके ब्राउचर वगैरह काफी ढूंढा, खोला, पढ़ा, तो मुझे ये चीजें दिखी कि ये लोग इनके यहाँ लास्ट ईयर 2023 में मतलब चूंकि दो ही ब्रांचेस हैं, ज्यादा बच्चे भी नहीं है, सिर्फ CS है और EC है, तो इसमें से 37 बच्चों ने अच्छा गेट में स्कोर किया। एक ऋषभ सिंह भैया कोई थे, 17,000 AIR 17 लेके आए थे, आयुष 160 और A230 गेट स्कोर है, ठीक है। और इनके कुछ अचीवमेंट्स थे, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह इन्होंने कुछ डाल रखे थे। प्लेसमेंट में ये कंपनियां आती हैं, मतलब प्लेसमेंट में इन कंपनियों में इनके स्टूडेंट्स जो है गए थे इस बार, ठीक है, तो दैट इज। और इनकी रिसर्च पेपर थे। अच्छा, इनके जो कुछ पास्ट रिक्रूटर्स थे, तुम देख सकते हो कि अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स हैं, इसरो है, DRDO है, TCS खैर बाल्क में लेके जाती है, BSNL है, ठीक है, रिलायंस है, टेक महिंद्रा है, मतलब ठीक है, काफी इन्होंने डाल रखे हैं, SCL है, तो दीज आर पास्ट रिक्रूटर्स। मुझे बस ऑफिशियल जो मिला यही मिला, और डेफिनेटली यार मैं तुम्हें कभी अंधेरे में क्यों रखूंगा, जो ऑफिशियल रहेगा मैं बताऊंगा, जो मुझे नहीं मिलेगा क्लियर बात है नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम खुद भी ढूंढ सकते हो उसको, ठीक है, लेकिन फर्जीवाड़ा करने का क्या ही मतलब है काई को, ठीक है। अब देखो इस अब नेक्स्ट GFTI पे आते हैं, तो ये भी काफी अच्छे खासे रैंक तक मिल जाता है, दैट इज स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर। इसकी फीस की बात करूं तो दैट इज 48 के पर ईयर, कम है यार, कम फीस है, इतने कम फीस में आजकल कहाँ कहाँ बीटेक होता है। प्राइवेट में जाओ 3 लाख लेके चूस लेंगे, मतलब इनका 2-2.5 लाख फीस होता है प्राइवेट वालों का, 2-2.5 लाख, ठीक है, इतने में तो यहाँ बीटेक निकट निपट जाएगी। इसका भी एडमिशन जो होता है, तुम्हें पहले जेई मेन का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद से जोसा की काउंसलिंग करानी पड़ेगी, और इनका एवरेज प्लेसमेंट 4 लाख, 4 से 5 लाख कर लो, 4 to 5 ले गए, और हाईएस्ट प्लेसमेंट तो 24 LPA है। अच्छा, बाकी इन कॉलेजों की अगर बच्ची मेरी वीडियो देख रहे होगे ना, तो प्लीज यार कनेक्ट करना, अपन लोग ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे आपके कॉलेज का, ताकि जो है ना दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो आने वाले छोटे भाई हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों के डेटा नहीं मिल पाते हैं, जो पॉपुलर कॉलेज नहीं है उनके डेटा नहीं मिल पाते हैं, तो उसका एक ही ऑप्शन है, या तो मैं कॉलेज के लिए मतलब या तो मैं RTI फाइल करूँ, और फिर जो ये लोग मुझे डेटा भेजे फिर मैं उसे दिखाऊं, ठीक है, तो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि करूंगा। ओके, अगला आते हैं, दैट इज संत लोंगवाल, SLNIET, ये भी एक GFTI है, फीस मात्र 50,000, एडमिशन प्रोसेस क्या है, जोसा, जोसा के थ्रू होता है, और काफी हाई रैंक तक के भी एडमिशन लेता है, ठीक है। और अगर इसके मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो दैट इज 18 LPA, एवरेज पैकेज जो है दैट इज लगभग 4 से 5 लाख के आसपास देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद अपना एक कॉलेज आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये भी एक GFTI है, फीस मात्र 50,000, जो सा काउंसलिंग के थ्रू लेता है, और हाईएस्ट पैकेज 14 LPA, एवरेज पैकेज लगभग लगभग 4 लाख के आसपास देखने को मिल जाता है, बहुत मतलब हाई रैंक तक एडमिशन लेता है। हालांकि अपने तरफ के बच्चे इधर जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ऑफकोर्स, तो नॉर्थ ईस्ट में अपने साइड के बच्चे जाते नहीं है, तो मतलब बड़ी लो परसेंटाइल तक एडमिशन हो जाता है। अब आगे बात करते हैं आसेम यूनिवर्सिटी सिलचर, यह भी एक GFTI है, ठीक है, इसकी फीस लगभग 56,000 के आसपास है, एडमिशन प्रोसेस जोसा है, और अगर आप प्लेसमेंट की बात करें तो इसका एवरेज प्लेसमेंट लगभग 3.5 LPA के आसपास है, हालांकि इसकी NIRF रैंकिंग ठीक ठाक है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ये भी एक GFTI है, जोसा की काउंसलिंग, जोसा से एडमिशन होता है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि सर ऐसे GFTI पे एक डिटेल वीडियो बनाओ जो लो परसेंटाइल एंड लो फीस पे एडमिशन देते हो, तो यार ना ये तुम कमेंट करना, तो मैं ऐसे टॉप 10 या टॉप 15 GFTI की बात करूंगा जहां पे जाना वर्थेड है। मेरा खुद का मानना है कि हर GFTI में जाना वर्थेड भी नहीं है, पर तुम इस पे तुम मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, अपन लोग लंबा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करें तो हाइएस्ट पैकेज जो है 21 LPA के आसपास है, एवरेज पैकेज 4 LPA के आसपास है, ठीक है। अब आते हैं IIIT नया रायपुर, महंगा है कॉलेज लेकिन डाल दिया वैसे, ठीक है। इसमें भी एडमिशन जोसा काउंसलिंग के थ्रू होता है, ये भी एक GFTI है, IIIT पे ना जाओ, है ये भी एक GFTI है, एवरेज प्लेसमेंट अच्छा है 8.6, और हाईएस्ट पैकेज जो है दैट इज 43 LPA। अब तुम्हें मैं कुछ और कॉलेजेस बताता हूं, पहला इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI कोलकाता, इसकी फीस जो है
₹0 है और साथ में तुमको 5 या 8 थाउजेंड का स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ, पहली बात, ठीक है। और यहाँ पे तुम, लेकिन ध्यान रखना, बीटेक नहीं कराता है, बीएससी कराता है स्टैटिक्स में, और बीएससी करने के बाद तुमको एमएससी में भी भेज देता है, या एमटेक भी कर सकते हो वहां से, वहां पे एमटेक भी है और 100% प्लेसमेंट है, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है, ठीक है। तो आईएसआई भी एक अच्छा ऑप्शन है और इनका 18 लाख के आसपास, 18 LPA के आसपास इनका एवरेज प्लेसमेंट है। जैसे ही तुम 5 साल का करके अपना निकलोगे 5 ईयर का, तो तुम्हारे पास एक अच्छा खासा, मतलब 20-25 लाख की जॉब होगी। आईएसआई का इतना अच्छा खासा क्रेज है, मतलब बहुत तगड़ा क्रेज है। इसका एडमिशन प्रोसेस ये है कि तुमको आईएसआई में, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तुम सर्च कर लेना, ठीक है। आईएसआई में तुम्हें क्या करना होगा, पहले अपना एग्जाम देना होगा, आईएसआई का 2 राउंड का एग्जाम होता है, एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर एडमिशन मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक और कॉलेज बताता हूं, दैट इज NFSC नागपुर। ये भी ध्यान रखना है, बीई कराता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कराता है, लेकिन फायर एंड सेफ्टी में कराता है, फायर एंड सेफ्टी में कराता है। फीस जो है 35,000 है, इस पर भी डिटेल वीडियो तुम्हें मिल जाएगी मेरे चैनल पे, और 35,000 है, लेकिन एवरेज पैकेज जो है दैट इज 10 LPA के आसपास है, ठीक है। तो अच्छा खासा पैकेज है भाई एनएफएससी वालों का, और काफी अच्छा खासा प्लेसमेंट रेशियो है, लगभग 80 से 90% प्लेसमेंट रेशियो, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ, एक नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम होता है उसके तरफ, उससे तुम्हें नाइजर मिलता है, ठीक है। तो नाइजर में भी एडमिशन, मतलब क्या है, ये भी देखो यार, बीटेक तो नहीं है लेकिन दैट इज फॉर रिसर्च पर्पज, अगर तुम्हें जाना है तो यहाँ पे तुम्हें मतलब बीएससी प्लस एमएससी लोग करा देते हैं, और यहाँ पे भी इनका भी मतलब अच्छा खासा स्कोप है, और इनकी भी कोई फीस वीस नहीं है। तो ऐसे भी कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत ही लो परसेंटाइल पे, मतलब जो बहुत कम फीस में भी तुम्हें ग्रेजुएशन करा देते हैं। तो बीटेक के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर तुम्हें कभी लगे कि भैया इस पे भी वीडियो बनाओ, तो अपन लोग इस पे बात करेंगे, यार बहुत गर्मी हो रहा है ना। तो आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, रात को 2 बजे शूट कर रहा हूँ बैठ के देखो 2:50 AM हो रहा है, बट कोई बात नहीं, बस तुम्हारा, तुम लोग को अच्छा कॉलेज मिल जाए, तुम लोग का सिलेक्शन हो जाए, दैट इज बेस्ट थिंग फॉर मी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। अगर वीडियो में कुछ ऐसा हो कि कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो मिस्टेक हो सकता है, तो सॉरी फॉर दैट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।